वेलकम टू माय चैनल जायका किचन। आज मैंने यहाँ पर दही आलू की सब्जी की रेसिपी शेयर किया है, मसालेदार दही आलू की सब्जी। बहुत ही बढ़िया लगती है और फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। तो दही आलू की सब्जी, और ये देखिए आप कितनी बढ़िया बनी है। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पॉट ले लिया है, और इसमें हम एक कटोरी फ्रेश दही ऐड करेंगे, और दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई भी लंक्स ना रहे। तो बस अब हम इसमें आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। और अब हम इनके सारे मसालों को अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लंक्स ना रहे, और ये मसाले जो हैं वो दही के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसके बाद हम फिर सब्जी फ्राई करेंगे। तो बस ये दही में आपको मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और दही को थोड़ा सा फेंट लेना है ताकि इसमें कोई भी लंक्स ना रहे। अब हमने यहाँ पर आलू लिया है, 4 से 5 आलू थे जिसे मैंने प्रेशर कुकर में 1 सीटी लगाकर पका लिया है, और इसे ऐसे कट करके रख लिया है। ये कढ़ाई में ऑयल डाला है, इसमें ही हमने पहले आलू को फ्राई करके निकाल लिया है। इसके बाद हम इसमें जो बाकी बचा ऑयल था उसमें आधा चम्मच खड़ा गरम मसाला था जिसे कूट कर ऐड किया है। अब हम इसी ऑयल में और आप आवश्यकता अनुसार ऑयल को कम ज़्यादा कर सकती हैं। इसके बाद हम इसमें एक प्याज को चॉप करके और ऐड करेंगे। तो एक प्याज था, इसे चॉप करके ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से चम्मच चलाकर पका लेंगे। तो बस बहुत ही आसानी से ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम इसमें अदरक, लहसुन, मिर्ची और थोड़ा सा जीरा, तीनों का हमने मिक्सर जार में पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो उसी का पेस्ट हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। तो बस इसे अच्छे से चम्मच चलाकर मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा इसे ब्राउन होते तक हमें पका लेना है ताकि जो प्याज है, अदरक, लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट है जीरा वाला, वो अच्छे से इसमें पक जाए और मिक्स हो जाए। तो बस ये अच्छे से भुन जाए, इसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो बस ये थोड़ा सा अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा भुंजा हुआ जीरा पाउडर ऐड किया है, आधा टेबल स्पून भुंजा जीरा पाउडर। इससे जो है वो दही आलू की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकती हैं, नहीं पसंद से तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। तो बस हमें इस मसालों को अच्छे से भूंज लेना है, थोड़ा सा इनका कलर चेंज होते तक इन्हें पका लेना है। और ये काफ़ी अच्छे से पक चुका है। इसमें हमने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड कर दिया है। आलू की सब्जी में कस्तूरी मेथी ऐड करने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो बस ये मेथी ऐड कर दिया है। अब हमने जो दही मिक्स करके रखे थे हम इसे ऐड करेंगे, और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, और इसके बाद इसे कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए मिक्स करना है। तो बस हम इसे कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए थोड़ी देर इसे पकाएंगे। तो ऐसे हमने इसे पका लिया है, एक उबाल आते तक आप ऐसे चम्मच चलाते हुए इसे पका लीजिए ताकि जो दही है वो बाकी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और पक जाए। तो बस हम ऐसे चम्मच चलाते हुए इसे अच्छे से पका लेना है। और इसमें ये देखिए आपको जितना पतला गाढ़ा रखना है आप उतना पानी ऐड करके और इसे पका लीजिए। तो यहाँ पर हमने जो दही लिया था उसमें 1 कप पानी ऐड किया है, और इसका ग्रेवी को थोड़ा सा पतला कर लिया है। इसके बाद हम इसे एक उबाल आते तक कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए हम इसे पका लेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें उबाल आ चुकी है, और ये बढ़िया दिख रहा है। तो अब हम इसमें जो आलू हमने, ये देखिए ये आलू जो हमने फ्राई करके रखा था, अब हम उन्हें ऐड कर देंगे। तो आलू को भी आपको 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करना है ऑयल में। ऑयल ऐड करके थोड़ा सा सरसों का सीड डाल के आलू को फ्राई करके और फिर निकाल लेना है। और उसी ऑयल में हमने ये सब्जी की ग्रेवी तैयार किया है दही वाली। और ये दही आलू की सब्जी अच्छे से, ये जो दही है इसमें आलू अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसे ढक्कन लगाकर थोड़ी देर हम इसे पकने के लिए छोड़ेंगे। बस तो थोड़ी देर ये पक जाए, और इसके बाद आलू की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, फटाफट बन के तैयार हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि आप आलू की सब्जी खा रहे हैं, दही वाले आलू की सब्जी मसालेदार। तो बस हम इसे थोड़ी देर और पका लेंगे, और ये इसमें फिर से उबाल आ चुका है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुकी है। और ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है, और ये परफेक्ट बना है।
तो बस अब ये दही आलू की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये दही आलू की सब्जी बनकर तैयार है। और ये कितनी बढ़िया बनी है, मसालेदार दही आलू की सब्जी। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ कैसे भी खा सकते हैं। अगर आपको ये दही आलू की सब्जी बनाने की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें और मेरे इस वीडियो को अन्य लोगों को शेयर करें। मैं आपको ये आलू दही की सब्जी और पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, मसालेदार दही आलू की सब्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।